ओए मेरी डायरी ना, मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाना है। इतने सब्सक्राइबर तेरे को जानते भी है। One day with Swarnim. It's time to start our new web series, One Day with XYZ. One Day with Swarnim. मेरे most of the दिन कैसे होते हैं वो है इस वीडियो में. For you, I'm a person who make a video and upload on YouTube on my YouTube channel hashtag Swarnim. But do you really know me? Like who is Swarnim? Why I make these videos? No, you don't. Because I never share. You only see what I share on my videos. और इस चीज का कुछ यूट्यूबर्स फायदा उठाते हैं, वो सिर्फ वो दिखाते हैं वीडियोस में जो उनके लिए फायदेमंद है. This reduces the chance of creativity and it lacks in India. But I don't want to be that creator who is just making videos for the views. But मैं चाहता हूँ जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो और मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक कनेक्शन हो. If there is no connection, you will not enjoy the game. Good content creator never want their viewer just to watch their video. They want they should understand that. तुम मेरे वीडियोस को कब समझोगे? जब तुम मुझे समझोगे. मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, मेरी thought process, everything. And वो तुम्हें कैसे पता चलेगा इस वीडियो से? Start करते हैं. मैं सोने के लिए बेड पे आ तो जाता हूँ आँख बंद करके 11 बजे. But actually सोता हूँ 3 या 4 बजे या 2 बजे. What I do rest of the time? PUBG. ये ले आता है मेरे को मेरी दूसरी स्टोरी पर, दैट इज गेमिंग. मेरा पहला गेम मैंने खेला था मारियो, बट एक्चुअली मुझे एडिक्शन और मतलब मजा आना स्टार्ट हुआ जब मैंने टेकन फ्री खेला PS2 वाला कॉइन डाल के. मतलब 1 रुपए के 4.4 बार फाइट मिलती थी, वो दिन अलग ही थे यार. मतलब बाकी अभी सोते हैं भाई. Never leave your dream incomplete. Fuck the alarm and sleep. नॉर्मल पब्लिक सुबह सो के उठती है फ्रेश, लेकिन मैं झटके से वो भी लेट. लाइक झटके से क्यों, क्योंकि लेट हो जाता हूँ ऑफिस के लिए और एकदम से अरे भाई रेडी होना है ये वो. इसके आने का मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज आई कांट रिकॉर्ड एंड आई एम स्टेटिंग इफ यू वांट टू सी द रियल से व्हाट इंडियन यूट्यूबर्स लाइक मुंबई करने के नाम पे बताना रियल से मैन. वेट वेट वेट, मैं टेक्निकल गुरु जी को कैसे बोल सकता हूँ? ही इज द ऑनरेबल मेंशन मैन. ब्रेकफास्ट. और मेरी मॉर्निंग तुम लोगों की तरह ही नॉर्मल होती है. लाइक सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना वन लाइन, अच्छा ब्रेकफास्ट करना सेकंड लाइन, डेली नहाना थर्ड लाइन, और कुछ प्लान्स होते हैं इट्स नॉट लाइक जो मुझे कंप्लीट करने होते हैं. मेरे जितने भी ये टास्क और काम होते हैं मैं इनको डिवाइड करके रखता हूँ और जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं उन पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ. और जो ये टास्क होते हैं उनका गोल और एम सिर्फ एक ही है, दैट आई वॉन्ट टू बी अ रिच मैन, आई वॉन्ट टू बी अ यू नो सक्सेसफुल गाय. मेरे जो भी ये टास्क होते हैं मैं उसको गूगल टास्क में ऐड करके रखता हूँ और उनको डेट दे के रखता हूँ. जैसे जॉब सीकर कोर्स मुझे 15 नवंबर और 20 नवंबर के पहले बनाना है, उससे पहले मुझे बनाना है सेल्स फॉर सॉस. द क्वेश्चन इज व्हाट इज आइंस्टाइन एनालिटिक्स. सो आई एम बिल्डिंग माई ओन ब्रांड सेल्स फॉर सॉस विच इज डेडिकेटेड फॉर सेल्स. My Salesforce Sauce YouTube channel which teach Salesforce. This is Salesforce Sauce. Thanks Salesforce for choosing me as an analytic champion. This is my Salesforce blog where I will be sharing my experience, whatever I have learned till now in Salesforce, and also sharing my bootcamp to build, you know, Einstein apps and all these things I will be sharing. मैं जो भी काम करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस या कुछ सोच के करता हूँ. जैसे मैंने Salesforce Sauce क्यों बनाया, उसके पीछे दो रीजन है. नंबर वन, मुझे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे Salesforce मिला Einstein Analytics, उसमें मैं काम किया तो मुझे जो भी काम मिलता है मैं उसको इन रियल टाइम में अपने यूज को कैसे यूज कर सकता हूँ वो सोचता हूँ और उसको बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ. तो मुझे लगा कि ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत कम लोग हैं, तो यूट्यूब चैनल नहीं है, ब्लॉग नहीं है, मतलब बनाते हैं आज से 10 साल बाद शायद फायदा मिलेगा. और मुझे दूसरा नंबर ये कि अगर मैं इसमें एक्सपर्ट हो जाता हूँ तो मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकता हूँ जो ये Einstein Analytics सिखाएगा लोगों को, मतलब आज से बहुत थोड़े साल बाद. उसे क्या होगा, मुझे ट्रैवल करना पसंद है. तो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स का क्या है, आज बैंगलोर में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल दिल्ली मुंबई, तो उससे मुझे ट्रैवल का भी चांस मिलेगा. तो मैं यूट्यूब पर फोकस कर सकता हूँ, मतलब नई जगह जाऊंगा तो व्लॉग कर सकता हूँ एंड ऑल दिस थिंग. तो और आगे जाके मैं सेल्स फोर्स का ट्रेनिंग का खुद का भी इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ.
तो ये सोच के मैंने ये सब चीज़ स्टार्ट किया। तो पहले मैं इसको अपना सेल्सफोर्स और इसको ब्रांड बनाऊंगा, लाइक क्वालिटी कंटेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। ये एक चीज़ है, ऐसी मैं हज़ारों चीज़ें सोच रखा हूँ जो करता हूँ और वो मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाता हूँ, जैसे जॉब सीकर कोर्स और लाइक फ्रीलांसिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। वो तुम देखोगे मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें ऑल द टाइम रहती हैं। तो मेरे डेली टास्क जो भी दिन के होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन चीज़ों पर काम करने लगता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि अंकल आई एम अ ब्लडी आईटी इंजीनियर। मेरी हाई किस साल की? मंडे से फ्राइडे हम लोगों का ऑफिस रहता है, सुबह 10 बजे हम लोग ऑफिस जाते हैं। और 7 या 8 बजे वापस आ जाते हैं। से आने के बाद लग जाता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग और वीडियो वाले काम में, फिर खाना खाने जाता हूँ। I'm also creating this dedicated YouTube blog for my YouTube channel. Now I want to share how these things started. You know hashtag Swarnil, but you don't know unboxing Chutiyappa, jo mera past tha. You don't know how hashtag Swarnil started. जो काम मैं अभी कर रहा हूँ उस टाइप का ही कुछ काम मैं कॉलेज में करता था और लोगों को शेयर करता था, तो लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे और मजाक उड़ाते थे, तो अजीब लगता था। फिर एक दिन मैंने एक चैनल को देखा यूट्यूब पर, गोजू नंदन, वो बहुत मस्ती बकचोदी करके वीडियो बनाता था, तो मुझे लगा कि सही है। फिर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए और वहाँ पर जो इन रियल टाइम मेरे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऐसे लोग मिले जो उस काम को पसंद करते हैं, एंड फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बहुत तगड़ी एडिटिंग सीखी 2-3 महीने और एक चैनल बनाया अनबॉक्सिंग चुतियापा, और उस पर मास्क पहन के वीडियोस बनाता था, रोस्टिंग करता था, बकचोदी करता था। और मास्क क्यों पहनता था? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली वाले, मेरे दीदी, मेरे भैया लोगों को पता चले कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ऐसे, क्योंकि मेरे को पहले जॉब लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर जॉब नहीं लगती, क्योंकि लास्ट ईयर चल रहा था, तो जॉब नहीं लगती तो वो लोग बोलते कि तुमने यही मस्ती की इसलिए तुम्हारी जॉब नहीं लगी, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। जॉब मेरी पता नहीं क्यों नहीं लगी, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न आई गेस। सो अनबॉक्सिंग चुतियापा का कुछ शॉर्ट क्लिप्स। आज तुम लोगों के लिए 2 सरप्राइजेस हैं। एक तो देख ही रहा है, बैकग्राउंड में मजा नहीं आ रहा है, इसको चेंज करते हैं। दिस इज मोर लाइक इट, अब लग रहा है ना होली। शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, आई मीन इनका लॉजिक अलग ही रहता है। अगर फेस पे कलर लगा हुआ है तो ये सारे गर्दन पे, अपने पेट पे या फिर कहीं पर भी लगाएंगे, और यहाँ पर भी लगाएं तो ये सारे पैर लगाएंगे, और ये सब ठीक है। अगर सब जगह लगाया कलर तो ये सारे चड्डी खोल के चड्डी में कलर डालेंगे, बाल में कलर डालेंगे, हर जगह, ठीक है। नहीं, और इसके बाद भी इनका अगर मन नहीं भरा ना तो ये बंदे पता क्या करते हैं, ये भाई साहब कपड़े फाड़ने लगते हैं, कपड़े फाड़ देंगे साले, इसकी गांव में मार लेते हैं। कॉलेज टाइम पर मैं ऐसे मास्क लगा के बकचोद फनी वीडियोस बनाता था, फिर कॉलेज खत्म हो गया, सारे दोस्तों की जॉब लगती, सिर्फ मेरी जॉब लगी, तो फिर मैं कैसे फैमिली से हूँ जहाँ से मुझे जॉब लेना जरूरत था, तो फिर मैं बैंगलोर आया, फिर वीडियोस उतना बनाना कम कर दिया, मास्क हटा के बनाने लगा। जब भी मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता था, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बना के खुशी मिलती थी, तो मैं सैड रहता था, तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना देता था, बट खुश एक्चुअली नहीं रहता था उतना, मतलब बना रहा था वीडियो ऐसे करके। फिर मैं वीडियो बनाना कम कर दिया, फिर मेरे सब्सक्राइबर पूछते थे कि आप ऐसा कहाँ पर हो भाई, तो फिर मैं जॉब सीकर वाले ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। श्रीनाथ भू ने बोला भाई तू ब्लॉग अच्छे करता है, ब्लॉग स्टार्ट कर। तो यहाँ पर मैंने अपना चैनल नेम भी चेंज किया, हैशटैग स्वर्णिल किया, और मेरा हैशटैग स्वर्णिल का लोगो का मीनिंग क्या है, और ये सब मूवी जो तुमने देखा ना इनकम्प्लीट पास्ट ब्लड फ्यूचर, तो वो जो इनकम्प्लीट पास्ट था मैं उस टाइप के वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ ऑलवेज, बट वो मैं कभी बनाया नहीं हूँ। और अभी मैं जो बना रहा हूँ वो है मतलब, लेकिन वैसा नहीं, मेरे को कुछ बनाना है अलग ही टाइप का, तो उसके लिए वो मूवी आ रही है कि उसके इनकम्प्लीट पास्ट को पास करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें तुम चेंज ऑलरेडी मेरे चैनल पर देख रहे होगे। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड, अभी हैशटैग स्वर्णिल ऐसे चले जा रहे हैं, बट अब मेरे अंदर एक चीज़ आ गई है कि एक असली क्रिएटर कैसे क्या होता है। देखो, तो मेरा जो प्लेलिस्ट था, तो तुम देखते होगे व्लॉगों में ट्री डायरीज, तो जैसे मेरा जो व्लॉग स्टाइल है तो मैं हर कुछ करूँगा, मतलब अगर मैं घूमने जा रहा हूँ तो ट्रैवल डायरीज, अगर मैं कुछ DIY बना रहा हूँ कुछ तो DIY डायरीज, अगर मैं कुछ अनबॉक्स कर रहा हूँ तो अनबॉक्सिंग डायरीज, ब्लॉगोमेंट्री विल बी ब्लॉग प्लस डॉक्यूमेंट्री माई थॉट्स, हैशटैग TV विल बी स्केट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इस टाइप से है। और लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इस चीज़ में, मैं जिससे तुम मुझे और अच्छे से जानोगे, I'm a curious person, like I'm a multiplayer और multitasker, because जो भी चीज़ मुझे एक्साइट करती है मैं उसका वेट नहीं करता, ऑनलाइन कैसे भी करके सीख लेता हूँ और उसको इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, तो मैं जो भी चीज़ करता हूँ वो ऐसे ही करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी क्यूरियसिटी ड्राइव्स द नॉलेज, ऑलवेज क्यूरियस फॉर वॉट यू लव, दैट्स इट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग न्यू चैनल ट्रेलर और मूवी विल बी अपलोडिंग सून,
और इसके अलावा तुम लोग बहुत आलसी हो वीडियो शेयर करने में, तो अब मैं भी आलसी हूँ, आराम से वीडियो बनाऊंगा। सो अगर तुम लाइक जल्दी जल्दी वीडियो, जितना ज़्यादा जल्दी व्यूज, जितना जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उतना जल्दी जल्दी मन करता है वीडियो बनाने का। सो इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो सीन वीडियोज और क्रिएटिविटी और एनी थिंग फ्रॉम माई साइड, सपोर्ट किया करो अपने आर्टिस्ट को, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। I hope you enjoy it. Or what you like in this video, tell me. And do you really know unboxing to kiya pa? Toh us time se mere ko subscribe kiya ho toh zarur comment karna. Love you. Bye. Mere subscribers mere bhagwan. एक और जो चीज़ जो मैं स्टार्टिंग से हमेशा से चाहता हूँ, मैं अपनी हेल्थ बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत पतला हूँ, बट मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आ रही यार। मतलब उसके लिए अलग ही टाइप की मोटिवेशन चाहिए, लेकिन करना है उसका ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ स्टार्ट करना है अपन को। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग टाइप से कुछ स्टार्ट करना है, जिमिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके अलावा वन डे विद स्वर्णिल का अगर पार्ट टू देखना हो तो अपन पार्ट टू भी बना सकते हैं। बाकी वन डे विद एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड कैन बी एनीवन। लाइक कभी मैं किसी सेलिब्रिटी से अगर मौका मिलता है, वन डे थोड़ा देर टाइम मिलता है, तो वन डे विद लाइक जैसे शाहरुख खान घंटा शाहरुख खान, लेट से मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ जिससे देख के मैं वीडियो स्टार्ट किया, गोचू नंदन, वन डे विथ गोचू नंदन, और कुछ भी हो सकता है। लाइक वन डे विथ लाइक इफ देयर इज समवन जिसको मैं दिखाना चाहूँ और दिखा सकता हूँ, तो मैं उसके साथ वन डे वाली सीरीज में आएगा, वन डे विथ एक्सपाइजर। और कोई नहीं मिला तो वन डे विथ स्वर्णिल का सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें मैं टू डू व्लॉग कर दूंगा, सिंपल। क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, वही दिखाता रहूंगा कि ये करा। रिमेंबर, मेरी शैडो मेरी पहचान हर जगह, चाहे वो सेल्सफोर्स सॉस हो, चाहे वो आई एम स्वर्णिल ब्लॉग हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो, मेरा लोगो में वो मेरी साइड हो, मेरा हमेशा साथ देती है। एंड वो लोगों के पीछे की स्टोरी तुम्हें मूवी में पता चलेगी कि वो लोगो क्या है।